शेयर कहाँ गए? बस उधर इतने सारे माइक सुनाई देगा क्या जी। हेलो पल पल दिल के पास, एक तो जो टाइटल है फिल्म का बहुत अच्छा है और गाना भी, मतलब जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो फिल्म का गाना है वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में इस समय और बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। लेकिन हम जानना चाहेंगे जब ये गाना शूट हो रहा था या रिकॉर्ड हो रहा था तो क्या ये फर्स्ट टेक में ओके हुए, मतलब इसके बिहाइंड द सीन्स हम जानना चाहते हैं कि मतलब क्या कहानी है इस गाने की। गाने की कहानी ये थी कि जैसे आप जानते हैं हमारा टाइटल पल पल दिल के पास है और पापा की फिल्म थी ब्लैकमेल, जिसका वो गाना था और वो गाना मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है। सबका वो सबसे मेरा ख्याल है लव एंथम होगा वो गाना। और मैं चाह रहा था कि उस गाने को मैं ना इस्तेमाल करूं बिकॉज उसकी अपनी एक खूबसूरती है, हम लेंगे तो कुछ बात अच्छी नहीं बनेगी, तो इसलिए हम लोगों ने नया गाने के पीछे लगे रहे। और मेरी पूरी टीम थी, ऋषि रिच, सचेत परम्परा, सिद्धार्थ गरिमा, हम लोग मनाली में ही थे सब, पूरा हम लोगों ने वहीं बैठ के सब कुछ किया। तो वहाँ करते करते फिर धुन निकली, धुन के बाद फिर वर्ड्स निकले। मतलब वर्ड्स बहुत सिंपल होने चाहिए ताकि एक कहानी की तरह निकलने चाहिए, तो उस तरह से इसकी शुरुआत हुई और फिर शूटिंग की हमने और आपने गाना देख लिया। और जैसे आप कह रहे हैं अभी लोगों को पसंद आ रहा है, बस हमारा गोल वही था कि जिस तरह से पल पल दिल के रहना तू पल पल दिल के पास जो गाना था उसी तरह से ये गाना भी लोगों तक उसी तरह से उनके मुंह पर चढ़ जाए। सनी सर, राजेश फ्रॉम दिल्ली 99, आपने सर दिल्ली में जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसके बारे में तब आपने बताया था कि धर्मेंद्र सर का ये फेवरेट गानों में से एक है, क्या इसकी मेकिंग में भी धर्मेंद्र सर का कोई योगदान रहा या उनसे कोई आपने कुछ इसमें कुछ योगदान लिया इस फिल्म की? देखिए इसमें बस मैं चाह रहा था कि किस तरह से मैं पापा को फिल्म में जोड़ूं, तो मैंने टाइटल इसलिए वो रखा पल पल दिल के पास ताकि पापा भी अपने पोते के साथ जुड़ जाएंगे, पूरी पिक्चर के अंदर जुड़ जाएंगे। और जैसे आपने देखा ही, हमने जितनी भी फिल्में बनाई हैं विजेता फिल्म्स पर, कभी घर का कोई आदमी साथ में नहीं काम करता, तो इंडिविजुअल बच्चों को जब हम लॉन्च कर ही रहे हैं, जैसे दो बच्चे हैं तो उसके बीच में मैं नहीं चाह रहा था कोई भी आए। अलका फ्रॉम पंजाब के सी, आप फादर होने के साथ साथ फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, सेट्स पे जब होते थे एज अ डायरेक्टर आपका एक अलग विजुलाइजेशन होता है किसी भी सीन का, करण जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे तो आप उन्हें कैसे ट्रीट करते थे एज अ फादर या एज अ डायरेक्टर? देखिए एज अ फादर तो बात पहले शुरू होती है जब मैंने सोचा कि मेरा बेटा लॉन्च होना चाह रहा है, ही वॉन्ट्स टू एक्ट, तो वहाँ से शुरुआत होती है एज अ फादर। और फिर ढेर सारे डायरेक्टरों से बात की, फिर कहीं कुछ बात बनी नहीं सही ढंग से, फिर मैंने तय किया कि मैं डायरेक्ट करूँगा।
तो जहाँ से फिर डायरेक्शन जब मैंने तय कर लिया तो उसके बाद फिर होता है कहानी क्या होगी, तो कहानी के ऊपर बातचीत हुई। तो जब वो सब चीज़ें सब तय हो गई उसके बाद फिर डायरेक्टर ही है जो आगे आ जाता है, फिर फादर कहीं सामने नहीं आता, बिकॉज जब फादर आ जाएगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। डांट लगाने का मैं डायरेक्टर वैसा नहीं हूँ, डायरेक्टर को मैं चाहता हूँ कि एम्बियंस अच्छा हो, नहीं तो मैं उनसे काम कैसे अच्छा निकालूंगा, क्योंकि मैं खुद इस दौर से जा चुका हूँ, मुझे मालूम है कि आदमी कितना नर्वस होता है और जितना शोर मचता उतना एक्टर से परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। तो मैंने पहली भी जो फिल्में की थी इसी तरह से की थी, मैं एम्बियंस में चाहता हूँ जितना भी हमारे सेट पे हूँ सब प्यार से रहें, काम हो, ताकि मैं उनसे काम निकाल सकूँ। हाँ, फिर वो बात दूसरी है कि मैं इनके पीछे ही पड़ जाता था जब तक मेरे को एज ए डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं होता था, बिकॉज मुझे मालूम है कि एक्टर के अंदर अभी और भी है जो मैं निकाल सकता हूँ, तो उस खोज में मैं लगा रहता था, क्योंकि नए बच्चे हैं, इनको इतना पता नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये पहली फिल्म है, तो आई एम श्योर जैसे मैं सीखा उसी तरह से ये भी आगे बढ़कर दोनों सीखेंगे, समझ पाएंगे। See, as of now, I would love to do a lot of different variety of things. So my mind is not set in one genre, because for an actor, you love getting out of your comfort zone when you play a different character that is not to you, and you get a different high when you get a different character. So I would like to play a variety of roles, not set in one specific genre. But yes, I do love action movies, so let's see as I go ahead. my question is for both of you, that since this is your first movie, in the trailer we can see that you are doing the action, drama, romance, you know, adventure game. So, obviously, first movie toh bahut nervousness bhi hogi, lekin kis tarah se movie different thi aapke liye, kya kya difficulties face hui, aur kaisa experience tha? See, before I had to go do those stunts, I actually trained in Manali for 4 or 5 months and understood that area, understood the people, because the people are different. I'm a guy from Mumbai city and I was playing a character from Himachal. So I needed to understand that area. That area, people are so happy and laid back in their own world, and that they just love their lives over there. They're very easygoing, and obviously when I had to do rappelling and all, it should look like it's not the first time I'm doing it. It should be like second nature to me by then. So within those four or five months of training, by the time I got down to actually do it, obviously I was scared. If you're hanging from 300, 400 feet and looking down, any normal human being would be scared. I was like, yaar, main actor banna chahta tha, toh stuntman bhi ban gaya ho, theek hai. And after that, there was a nice sense of accomplishment, and because the locations we shot were really physically taxing, because they were at high altitude, so it did take it out of you physically, mentally, emotionally. But when you look at the whole 2-year process that it took, I am proud of the work I've put in, and it's made me a better person and made me a better actor by the end of it. देखिए, एक्टिंग का मेरा डिसीजन था। माई डैड हैज नॉट एवर पुट मी इन एनी पोजिशन दैट ही डिडंट वॉन्ट मी टू बी इन। ही इज लाइक, व्हाटएवर चॉइस इज योर्स इन लाइफ, आई विल सपोर्ट इट 100%। आपका अगला क्वेश्चन क्या था उसके बाद? शूटिंग के पहले दिन नर्वस थे या? हाँ, पहले दिन को व्हेन यू पुट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आपकी सब जो भी ट्रेनिंग वेनिंग सब बाहर चले जाता है जब भी आप कैमरा के सामने हो। तो उस वक्त मुझे लगा कि वो शॉट आसान था, बट मेरे लिए आसान नहीं था। आई ब्रोक डाउन, आई स्टार्टेड क्राइंग, और मुझे लगा कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो एक्टर कैसे बनूंगा। बट लकली आफ्टर दैट द नेक्स्ट डे वाज बेटर। चलो, आप करें, इंडस्ट्री में धर्मेंद्र सर की एक बहुत अलग पहचान है, सनी सर की भी एक अलग बहुत अलग पहचान है। अब आप आ रहे हैं तो आपकी ये पहली फिल्म भी है, ऐसे में एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन प्रेशर कितना ज़्यादा था? देखिए, अगर मैं प्रेशर के बारे में सोचूंगा तो मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा। और जब ही मैं ये पिक्चर कर रहा था, मैं यही चाहता था कि मैं वो कैरेक्टर को ठीक से डिफाइन करके वो कैमरा में निकलना चाहिए। सो आई गिव इट माय ऑल एंड 100% टू दिस कैरेक्टर एंड दिस मूवी। आई डिडंट थिंक ऑफ द अदर स्टफ एंड द बैगेज। व्हेन यू थिंक ऑफ दैट पर्सनल बैगेज एंड एवरीथिंग, नो, यू कैन नॉट डू योर वर्क। ऑब्वियसली एनी सन विल वॉन्ट टू मेक द मदर एंड फादर प्राउड, बिकॉज दे गिवन मी सो मच इन लाइफ यार, and it's my turn to give them back, and hopefully this is my first step in giving them back. I doubt I'll ever be able to repay them, but let me try. Hi everyone, Karan, you in your family you have superstars, there is Sunny sir, Bobby sir and Dharam sir.
And you recently said that you get advice from every corner from the house, and sometimes too many advice. So I want to ask you, whose advice you feel that is the best? I think they're all the best in their own rights. I don't think one person's advice is best. They're all the best in their own way. So I think it's to take it together and see how it can mold into your own individuality is the best, because they all are experienced. They've all had their successes. So they're all right in their own way. And this is your first film. Any young actor who inspires you? I would say Vicky Kaushal. Yeah, because his variety of roles is amazing. And the stuff he's doing, he's pushing boundaries, and hats off to him, man. It would be a blessing to work with him if he would want to work with me. Okay. Next. This is your first movie. How was your experience with working with Karan and Sanjay? It was amazing, and now when I look back, I think I have a lot of fond memories. And I'm really, it's been an emotional journey. And before that, I didn't have any acting experience, so to speak. So whatever I've learned is because of this film and Sunny sir. And this film has taught me a lot, like Karan also mentioned. Patience is something that I learned. And I've made a lot of friends in the process, and we're all like a small family now. Karan, my question is that in your family, सभी सुपरस्टार्स भी हैं और फिल्मी करियर से हैं, तो आपकी बॉन्डिंग अपने दादाजी से ज़्यादा अच्छी है या फादर से? फादर से आप कुछ शेयर की है करना चाहते हैं जो आप लोगों के बीच में, मतलब आप एक अच्छी बॉन्डिंग मानते हैं, तो कोई ऐसा मोमेंट? मुझे लगता है इस पिक्चर के दौरान में वी बिकम क्लोजर together, so I think we become closer, and there's a different communication that's coming across, and we understand each other way better shooting a movie for so long. And I look up to him because he's never given up. No matter the criticism, the negativity and everything that's thrown at him, he's always stood tall and he's faced it and he's moved on. And I think that's important in life, because today you don't know where you are. Tomorrow you can be at the bottom. Day after you can be at the top. Life is such a topsy-turvy thing. It's always good to be positive and just move forward and never give up. प्रेशर इस चीज़ का है, क्योंकि ये इन मैंने जिम्मेदारी ले ली. अब नाउ दे लुकिंग अप टू मी, एंड एक जिम्मेदारी है, उसको मुझे निभाना है. मैं कहीं इन दोनों बच्चों का कहीं करियर में कहीं कुछ ऐसी कहानी सही है, इनसे काम सही करा रहा हूँ, या कहीं कुछ गलत तो ना हो जाए, बिकॉज इट इवेंचुअली इट्स अ फिल्म विच दे हैव फुल फेथ इन मी. सो वो एक थोड़ा सा तो हमेशा रहेगा, जब तक लगेगी और आप लोगों को पसंद आएगी तब तक वो मेरे पर एक प्रेशर तो रहेगा. बट प्रेशर को मैं इतना वो नहीं ले लेता कि प्रेशर करने से मैं डर जाऊँ और फिर मैं काम में कहीं वो डर आ जाए, वो मैं नहीं होने देता. बट डेफिनेटली एक नर्वसनेस और एक जिम्मेदारी जो होती है बच्चों को आप लेके जा रहे हो, तो वो तो हमेशा रहेगी. धर्मेंद्र जी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू मेंशन द सॉन्ग वाज देयर? सी पापा का कंट्रीब्यूशन इज, यू सी वी आर अ जॉइंट फैमिली, सो एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू व्हाट वी आर एंड हाउ वी ऑल टर्न आउट विद ईच अदर एंड हाउ वी फेसिंग द वर्ल्ड. सो दैट कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज देयर. And then he's always shown his full faith in me whenever I've done something. Because मुझे अभी भी याद है जब मैं घायल बनाने गया था तो कोई बना नहीं रहा था. Nobody wanted to make that film. नहीं, ये पिक्चर अच्छी नहीं है, कहानी अच्छी नहीं है, एक्शन है, नहीं चलता. सो पापा के पास गया, पापा को सुनाइए, पापा had faith in me and said go ahead, become, go produce it. तो उनका बस इतना कहना मेरे लिए बहुत होता है. सिमिलरली जब दिल लगी की तो मैं बोला पापा मैं ये करनी है, हो नहीं रहा तो मैं डायरेक्टर बन रहा हूँ. तो ही शुड दैट, एक दफ़ा पापा कह दें ओके, फिर मैं चांद पर भी चला जाऊंगा ऐसे. Any advice that he gave you at the time of your launch in Beta, that you passed on to Karan? See, advice is not, it's not कि आज चलो बैठ जाओ, आज को मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ. इस तरह से तो एडवाइस होती नहीं है. You know, it is not so, come, let me give you a lecture on this. It's nothing like that. It is the environment where we are into again, जैसे मैं बोल रहा हूँ. And definitely, शुरू होने से पहले
ऑब्वियसली जैसे मैंने करण से पूछा तो तेरे को यकीन है, आई मीन आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस दिस वर्ल्ड, बिकॉज ये दुनिया जो फिल्म की है, जो हमारी ये क्रिएटिव वर्ल्ड की है, इसमें मुश्किलें ये होती हैं कि लगता है सब कुछ सिल्वर स्क्रीन पर अच्छा है, लेकिन आगे ज़िंदगी में मुश्किलें बहुत होती हैं. इफ़ यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ इंजीनियर और समथिंग, यू हैव अ सर्टिफिकेट, योर प्रोफेशन इज सेट. यहाँ पर एवरी डे यू हैव टू, एवरी फिल्म इज़ अ टेस्ट फॉर यू. पता नहीं आज ये सही होगा, कल वो सही होगा. तो if you have got the strength to take that thing and aapko pata hai ki aapko log criticize karenge, sab kuch hoga, to wahan aap darwaze apne kaan ke band kar sakte ho ya nahi kar sakte. Tareef bhi karenge tab bhi aapko darwaze band karne honge, nahi to aap aasman mein chhalange maarne lag jaoge. To ye sab cheeze hoti hain jo kalakar ko aage badhane aur thoda mushkil dalne mein, ye cheeze hoti hain jo aadmi insaan apne aap ko kabu kar le, bas yahi keh sakta hai aadmi. Baki to har aadmi ki हाँ हाँ तो कह देते हैं हम लोग, मैं भी हाँ कह दूँगा, मैं ऐसे करूँगा, लेकिन वक्त आने पर पता चलता है मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. तो दैट इज़ लाइफ बेसिकली. करण, अभी मैंने आपका हाल ही में इंटरव्यू देखा. सनी सर, 20 साल पहले आपने डायरेक्ट किया था दिल लगी, बहुत उम्मीदें थी, रोमांटिक फिल्म थी, लेकिन उसके बाद जहाँ मुझे याद आपने कहा था कि एक बैड ड्रीम, जितना आपने सोचा था कि सक्सेस होगी वो फिल्म उतनी हो नहीं पाई थी, तो वो उस एक्सपीरियंस को आपने इस फिल्म में इस्तेमाल किया, किस तरीके का? नहीं देखिए, क्या है, बनाते हैं उस वक्त तो हमें नहीं, ये नहीं यकीन, हम ये नहीं मानते कि शायद नहीं लोगों को अच्छी लगेगी और चलेगी नहीं, बिकॉज आप एक बिलीव के साथ जाते हो, आप डरते हुए आगे नहीं बढ़ सकते. वो ना चले, चले ना चले, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ना हम उसके बारे में ज़्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो वो तो रहेगा और हर फिल्म के साथ रहेगा, जो भी मैं बनाना चाहूँगा होगा. बट मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है जब भी हम फिल्म बनाते हैं, जब हमने सही की है. बॉक्स ऑफिस इज़ नॉट, इज़ डेफिनेटली वॉन्ट बॉक्स ऑफिस टू बी वेरी सक्सेसफुल, बिकॉज यू पुट इन सो मच ऑफ फंड्स एंड ऑल, ताकि आगे और सक्सेस के साथ आपको और बैकिंग मिलती है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज़, जो भी पिक्चर मैंने बनाई, डिड इट रीच आउट टू द सेक्टर ऑफ पीपल हु वर, हुम इट वॉज मेड, एंड डिड दे एंजॉय इट, एंड दैट फीडबैक यू गेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यू नो. जो अभी बिकॉज ऑफ डिजिटल तुरंत पता चल जाता है, और फॉर्मेट्स इतने हैं आजकल कि कहीं ना तो कहीं आपकी पिक्चर चल रही होती है. तो आई ऑलवेज फील दैट मेक अ फिल्म, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द सेल्यूलॉइड, आइदर ऑन द सेल्यूलॉइड और ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्लोटिंग अराउंड. सो योर क्रिएटिविटी इज गोइंग टू बी देयर, एंड इट माइट टच सम पीपल, इट माइट नॉट टच सम पीपल. सो यू कैन नॉट हैव अ, समटाइम यू हैव अ बॉक्स ऑफिस हिट, बट द फिल्म इज बुलशिट. बट the so for me the success factor is basically your own journey and your own satisfaction as an actor, as a director, as a producer, and then definitely are we reaching out, and then jab bahar jaate hain, logon se milte hain, to wahan mein actual pata chalta hai ki how they're connecting with you, because they're connecting with you is because of your work, not for any other reason. करण, अभी हाल ही में मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें आपने बताया था कि आप एक गेमिंग लवर हैं, फीफा, और अभी नेक्स्ट जन कंसोल प्लेस्टेशन 5 भी रिलीज होने वाला है नेक्स्ट ईयर. तो अपकमिंग गेम्स में द लास्ट ऑफ अस 2 है, गोस्ट ऑफ सुशीमा, बहुत तरह की गेम्स हैं, तो आप अपकमिंग गेम्स कौन सी है जिसके लिए आप एक्साइटेड है? मैं अभी इंडिया में गेमिंग कल्चर बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? India, I think, is growing now slowly with PUBG on the mobile. I play that whenever I get free. And Gears of War 5, I just bought for the Xbox One X. That's the new game I was playing right now before I came. Borderlands 3 is also out. So it's an exciting time. And in my pastime, when I'm free to relax, I'll sit it, play games, and I'll put a nice question. Actually, no one's actually asked me that, so I'm feeling good about it. Last of Us PlayStation पे खेली थी. अभी the sequel is gonna come out on E3. They showed the trailer, so that's also looking. It's nice. It's like a cinematic game almost. It's like you're playing through a movie. नहीं नहीं कहीं नहीं है. Well, I mean, it's become a golden period, I would say, for the fraternity of actors and creative people now, because there's so much out there. And if silver screen is the only thing you're thinking, obviously, if you got talent and you float around in all these web series and everywhere, anywhere, you can be picked up for anything, because everyone is hunting for talent. And web series is more interesting, I would say, but provided. You know, at the moment we are going very commercially, provided like how the web series we see from overseas. You know, if there's a content base is strong, because as an actor it gives you that window to
go into the depth of it for a longer period and bring out the feelings and the characterization out much better rather than in film where you have to do it so fast. So it's a beautiful thing out there, and I'm sure I will also get into it if I get something which is really worth my thing to spend my time onto it, because I just simply don't want to do it for the sake of doing it. Anyone quality you want to pick each from each of them? Dad, I would say, is never give up attitude. Yeah. Bobby Chacha, I would say right now he's getting back into it and he's also pushing ahead, and he is a great dancer, and hopefully I'll be as good as him one day with good training. And my dada is like, he's so loving. He will take his time out for you. Any person, if you meet him, he'll sit down and he'll take his time out for you and talk to you. And he has such patience and love for everyone. I think that's another quality I should have in me. Because he never says no to anyone. If you approach him, he'll sit down with you and he'll have a chat. And he's such a loving human being. Karan, you come from a family background. Everybody has given so much to the industry and have received immense love. So what are your expectations from the audience and what message will you give them? My expectation from the audience is I hope they love the movie, because the whole unit has worked so hard on this movie. So many people have given their times, their lives to this one project in these 2 years. So hopefully they enjoy the output we've given, and hopefully when you leave the theater, you have a nice feeling from inside, and hopefully you guys accept me as an actor, and this would be my beginning then if you guys do. Excuse me, Sunny, you out of the shadow of your father. We've been all talking that Dharmendra, everybody's, trying to copy him. But you were out of his shadow. So, Karan, how do you plan to get out of that, and come up here in your role? I think that will happen after a couple of movies. Once you see this movie on a whole, then you'll realize that I have my own individual traits when you see the whole project. So I think it's only when you do a couple of movies and people realize you for your own, that's only when you'll eventually be able to step out of that shadow. Next. Sir, last main aapse janna chahunga jo aapka jo daur tha, Aamir Khan the, Anil Kapoor the, wo saath the, jitni bhi movies thi wo sari hit thi, kyunki kalakar us samay actors jo hai kafi kam aate the. Aapka jo daur naya aaya hai, isme chahe Ranbir Kapoor aur Ranveer देखिए, चीज़ें हर चीज़ फैल रही है, बड़ी हो रही है, और नए नए और लोगों की अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, इसलिए द फ्लो ऑफ एंटरटेनमेंट भी काफ़ी बढ़ रहा है, एंड द चैनल्स ऑल्सो इतने खोल रहे हैं, जैसे वेब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सेटेलाइट है, ढेर सारी चीज़ें आ रही हैं. और जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, इट्स अ यूनिवर्स जहाँ तारे ही तारे हैं, एवरीबडी शाइनिंग ओवर देयर, एवरीबडी स्प्रिंकलिंग ओवर देयर. सो इट्स जस्ट पुट योरसेल्फ ओवर देयर, एंजॉय योर जर्नी, एंड इफ यू हैव टैलेंट एंड इफ यू पिक अप गुड सब्जेक्ट्स एंड यू कम अप ओवर देयर, देयर विल बी समवेयर पीपल विल, आई मीन यू मे, जो भी मेरी फिल्मों के बारे में हम आज कभी बात करते भी हैं, मुझे नहीं पता था वो इतनी सक्सेसफुल होंगी, मुझे नहीं पता था लोग वो डायलॉग्स बोलेंगे, हमें पता ही नहीं था. तो ये चीज़ तो इसकी, हमारी प्रोफेशन की खूबसूरती ये है कि हमें खुद को नहीं पता, मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, डरते रहते हैं, और कुछ पता नहीं एंड में क्या होगा, और उसके लगने के बाद जो उसका होता है, उसका जो एक चाहे चले ना चले, उसका अपना ही एक मज़ा या तकलीफ है, जो भी बोलो, वो उसके लिए हम लोग जी रहे हैं बेसिकली. थैंक यू पब्लिक से बस यही कह सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने पापा को बहुत सारा प्यार दिया है, उसके बाद हमको दिया है, मुझे दिया है, मेरे भाइयों को दिया है, अब बारी है इन दोनों बच्चों की. बस आई वॉन्ट कि आप लोग इनको भी बहुत ब्लेसिंग दें, जाके सिनेमा में इनकी पिक्चर देखें, बिकॉज बच्चे हैं, इनको इनकरेजमेंट चाहिए, और उसके बाद आप ऑब्वियसली देन दे आर योर्स, यू जज देम व्हेदर यू लाइक देम और यू हेट देम. I think now we come after the film, both Rocky and I. But it was great fun, But at the same time, I have to say that the locations were so tough that when we were doing it, it wasn't fun at all. We shot in sub-zero conditions and it was pretty taxing, not just for us, but the entire unit. But now when we look back, I think it was worth it. So in reality, you're not... Now I've become. Yes. Thank you. Thank you. Dialogue ho jaye koi. Dharam Pathe ka koi dialogue aapke muh se sunna chahte hain.
मुझे भी याद नहीं, पापा का शोरे का क्या था वो, मेरे को थोड़ा याद दिलवा देंगे आप? सर अपने ही सुना दीजिए, गाने की लाइन सुना दीजिए, बच्चे का गाने की लाइन सुना देंगे। चलिए आप पल पल का गाना, ये जो अपना गाना उसकी लाइन सुनाइए। कमन यू ऑल बोथ स्टार्ट, ओके वो दोनों गाएंगे गाना थोड़ा बहुत, शुरू करेंगे। रही रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। थैंक यू जी।